Hi, I am Neha. Welcome you back on Electric Learning. आज हम लोग अपना ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं. तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था एटमॉस्फेयर, और हमने अपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या है. डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एटमॉस्फेयर की, और हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था कि एटमॉस्फेयर इज़ अ सराउंडिंग ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, कि अर्थ के अराउंड जो गैसेस हैं. और फिर उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक जो डिस्कस किया था वो ये था कि वो जो गैसेस हैं वो आई कहाँ से, वो एटमॉस्फेयर बना कैसे. ओके, तो आज हम लोग अपना एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक ही आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें है. सो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी की हमारी आज कौन सी क्लास है, टू, क्लास टू. टॉपिक है एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर हमने कल पढ़ा था सराउंडिंग ऑफ गैसेस, गैसेस की सराउंडिंग को ही अर्थ के अराउंड हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ओके, और ये जो गैसेस हैं कैसे बनी थी वो हमने कल डिस्कस की थी. अब गैसेस के बिना और भी क्या क्या चीज़ है हमारे पास एटमॉस्फेयर में. ओके, तो जहाँ पे हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है, इट कंसिस्ट क्या क्या है. एक तो हमारे पास इसमें है वाटर वेपर्स. दूसरा है हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स. और थर्ड जो चीज़ है इसमें हमारे पास है गैसेस. अब यहाँ पे हमने अपनी गैसेस लर्न करनी है कि कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर में. तो हम अगर गैसेस की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास है नाइट्रोजन. इसकी कितनी अमाउंट है, 78.1%. हमें जो गैसेस की परसेंटेज है वो एज इट इज ही लर्न करनी है. नेक्स्ट है ऑक्सीजन 20.9% इज ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी परसेंटेज पहले, अगर हम आज से एक साल दो साल पहले की बात करें तो 0.03% आप लोगों को बुक्स में मिलेगी. लेकिन अब जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला है डाटा वो कहता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज बढ़ चुकी है, 0.04% हो चुकी है. ये चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों बढ़ गई है. नेक्स्ट है आर्गन. नेक्स्ट गैस है आर्गन, उसकी परसेंटेज है 0.94%. एंड द थर्ड वन इज़ ओजोन. ओजोन है 0.00003%. तो ये जो गैसेस की परसेंटेज है हमने एज इट इज़ लर्न करनी है. हम इसको एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा जाता है. जैसे कि हमें SSC में क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है हमारे पास एटमॉस्फेयर में, तो उन लोगों ने ऑप्शंस डाल रखे थे 21%, 20.9%, 20.8%. तो हम एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं कर सकते, हमारा एग्जैक्ट आंसर वहाँ पे 20.9% ही था. ओके, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल देते हैं कि हम 21% लिख सकते हैं, नहीं, हम ज्योग्राफी में अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं कर सकते. तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस. और गैसेस कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड ओजोन. तो ये चीज़ें हमें याद करनी है. अब यहाँ पे हम वन बाय वन अपनी ये जो गैसेस हैं इनको पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस,
अब हम लोगों को पता है, हमने कल पढ़ा था कि हमारी ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस के अराउंड अराउंड हमें गैसेस मिलती हैं। और मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि हम जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर ऊपर मूव करेंगे तो ये जो गैसेस हैं उनकी परसेंटेज जो है वो डाउन चली जाएगी, मतलब कम होती जाएंगी, मतलब कि हमें ये कुछ रेंज तक ही मिलती हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमें अर्थ के सरफेस से 128 किलोमीटर ऊपर जाने तक ही मिलती हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट इज फाउंड अप टू 128 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से 128 किलोमीटर ऊपर जाने तक ही हमें नाइट्रोजन गैस जो है वो मिलती है। अब हमने पढ़ ही लिया कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन की है, 78.1%। इसके बिना अगर हम नाइट्रोजन के यूजेस देखें, हम अपनी डेली लाइफ में या जो भी हमारे पास यूजेस हैं वो हम कुछ देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ये हमें फील करवाती है एयर प्रेशर, इट मेक्स अस टू फील एयर प्रेशर। अब इसका क्या मतलब है? देखो, हवा चल रही है, हमारे बाल उड़े या हमें एक प्रेशर लगा, हमें एक धक्का लगा हवा का, तो वो क्यों लगा, हमारे बाल क्यों उड़े, बालों पे प्रेशर क्यों पड़ा, या पंखा चल रहा है, आप लोगों को कुछ फील हो रहा है कि हाँ हवा आ रही है, तो वो हवा का प्रेशर है। वो क्यों फील हो रहा है? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो हमें एयर का प्रेशर फील होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, उसके बाद इट इज फील्ड इन टायर्स, जो हमारे पास टायर्स होते हैं व्हीकल्स वगैरह उनमें ये फिल की जाती है। ओके, नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, जो नाइट्रोजन गैस है ये अमोनिया की फॉर्म में, अमोनिया NH3 की फॉर्म में रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है। जो हमारे पास कूलिंग इफेक्ट होता है ना रेफ्रिजरेटर में, वो होता है ड्यू टू द अमोनिया गैस, ड्यू टू द अमोनिया गैस। और जितनी भी हमारे पास आइस फैक्ट्रीज होती हैं उनमें भी अमोनिया गैस का ही यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन बल्ब्स, जो हमारे पास ट्यूब बल्ब्स होते हैं, बल्ब्स वगैरह होते हैं, ट्यूब लाइट्स होती हैं, उनमें भी क्या फिल की जाती है, अमोनिया गैस। और जो नाइट्रोजन है ये फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में भी यूज होती है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस थे हमारे पास अमोनिया के जो हमने लर्न करने हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट गैस है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अगर हम यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो हमने अपनी परसेंटेज तो देख ही ली है, 20.9%, 20.9%। अब ऑक्सीजन का सबसे बड़ा यूज, सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन को बोला जाता है गैस ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन इज नोन एज गैस ऑफ लाइफ, बिकॉज जो ह्यूमन है अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते, और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। ऑक्सीजन के यूजेज अगर हम देखें, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हमें सांस लेने में हेल्प करती है। ओके, और जो ऑक्सीजन है वही हमारे अंदर खाना जो हम खाते हैं उसको एनर्जी देने में हेल्प करती है। इट
helps in conversion of food to glucose. और यही जो है वो हम जो भी खाना खाते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उसको ग्लूकोस में कन्वर्ट करती है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है. जैसे कि हमारे पास फूड प्लस O2, ये हमारे पास ग्लूकोस और कुछ 686 किलो कैलोरीज जो एनर्जी है वो रिलीज करती है. ओके, तो हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन है. दूसरा, अगर हमें कोई आग वगैरह जलानी है, कंबशन करनी है, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है. आप लोगों को याद होगा हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होता है कि हम कैंडल जला देते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम उस गैस उस पे ऊपर एक ग्लास रखें तो वो कैंडल जो है वो बुझ जाती है, मतलब वो बर्न करना बंद कर देती है, क्योंकि कुछ टाइम में क्या हो जाता है कि वो उसके अंदर, उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो फायर है जो वो जलती नहीं है, ठीक है. तो इट हेल्प्स इन कंबशन. इट हेल्प्स इन कंबशन. और भी हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इतने ही बनते हैं. उसके बाद जो थर्ड गैस है, थर्ड गैस डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 0.03% और 0.04%. अब हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये हैवी गैस है, हैवी गैस ऑफ एटमॉस्फेयर. मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास कुछ गैसेस लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, कुछ हैवी होती हैं, और CO2 जो है वे हैवी गैस है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि ये हीट को ऑब्जर्व करती है, हीट को ऑब्जर्व करती है. इट हैज हाई कैपेसिटी ऑफ ऑब्जर्विंग हीट, हीट को ऑब्जर्व करने की हाई कैपेसिटी होती है. सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पहले इसकी परसेंटेज इतनी थी, अब इतनी हो गई. हम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन जो ह्यूमन है वो प्लांट्स को कट किए जा रहे हैं, ठीक है. तो उससे क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम ऑब्जर्व हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है. तो इसलिए हमारे पास ये परसेंटेज बढ़ गई. अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है, इससे बढ़ने से ही क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग. अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी इन्वायरमेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगी. तो यहाँ पे जो हीट है वो ज़्यादा ऑब्जर्व हुई, हीट है जो वो ज़्यादा ऑब्जर्व हुई, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया. जैसे कि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस साल ज़्यादा पड़ रही है. क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो अर्थ पे बढ़ रही है, जिससे हर साल टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ रहा है. अब जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, तो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ के पहाड़, माउंटेन्स ऑफ आइस. जो ये बर्फ के पहाड़ होते हैं, इनका जो वाटर होता है ना, वही वो फ्रेश वाटर होता है,
फ्रेश वाटर, और यही फ्रेश वाटर है सिर्फ ह्यूमन के लिए बना है, मीन्स जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी जो अर्थ है इस पे ना 30% लैंड है और 70% वाटर है, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पानी है वो अर्थ पे ख़त्म हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? हमारे पास ना जो वाटर है ये दो तरह का है, फ्रेश एंड सॉल्टी। जो फ्रेश वाटर है सिर्फ यही ह्यूमन के लिए यूज बेनिफिशियल है। सॉल्टी वाटर इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ। इफ़ वी कंज्यूम दिस सॉल्टी वाटर देन आर किडनीज विल गेट डैमेज इन सम टाइम। सो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है जब वो मेल्ट हो रहा है, माउंट क्या हुआ, हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, ये फ्रेश वाटर जो है वो प्लेन्स में चला गया जिससे कि वो फ्लड्स आ गए और वो वेस्ट हो गया। उसके बाद यही फ्रेश वाटर मतलब मेल्ट होके ओशियन में जा रहा है और ओशियन में मिलने से ये टोटली वेस्ट हो गया। तो जो हमारा फ्रेश वाटर है ना वो कम होता जा रहा है। सो इससे क्या हो रहा है कि फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब कुछ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2। तो देखा जाए तो CO2 हमारे लिए ज़रूरी है, ह्यूमन के लिए ज़रूरी है, लेकिन कम मात्रा में हो तो वो अच्छी है, ज़्यादा हो जाएगी तो वो हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। इसके बिना हमारे पास CO2 के और क्या क्या यूजेस हैं? इट इज़ यूज इन सोडा वाटर्स। जितने भी हमारे पास सोडा वाटर्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें CO2 फिल की जाती है। और क्या यूज है? इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? हमें आग बुझाने में हेल्प करते हैं। ये थे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमें अर्थ की कितनी रेंज में पाई जाती है? इट इज़ फाउंड अप टू 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं आपको ऑक्सीजन का बताना भूल गई थी, ऑक्सीजन का भी आप नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन हमें मिलती है 64 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हम यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट गैसेज ही पढ़ेंगे। हमें आर्गन का इतना कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कभी पूछा ही नहीं जाता, तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। और जो हम अपनी नेक्स्ट गैस डिस्कस करेंगे डेट इज ओजोन। ओजोन कितना परसेंटेज था इसका? जो ओजोन है ये ऑक्सीजन की ही एक टाइप है, तो इसको बोला जाता है एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का ही एक टाइप। इट इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमारे पास जो ओजोन है ये टू लेयर्स में पाई जाती हैं, हमारे पास फाउंड इन टू लेयर्स। सो यहाँ पे जो ओजोन है वो दो लेयर्स में पाई जाती है, इसीलिए हम देखेंगे कि कौन सी लेयर में वो हमारे लिए अच्छी है, बेनिफिशियल है, और कौन सी लेयर में वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम अलग अलग बात करेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। देखो, अगर हम यहाँ पे, मैं आप लोगों को पहले थोड़ा बता देती हूँ, हमारे पास
हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये चीज़ कि हमारे पास क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपो, देन स्ट्रेटो, मीजो, आयनो एंड एक्सो, ठीक है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो ट्रोपोस्फियर होती है ये हमें अप टू 18 किलोमीटर पाई जाती है और ये 50 किलोमीटर्स तक पाई जाती है। तो जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर उसमें भी ओजोन पाई जाती है, सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर उसमें भी ओजोन पाई जाती है। अगर हम ट्रोपोस्फियर में इसकी हाइट देखें तो अप टू 8 किलोमीटर ये पाई जाती है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अप टू 18 to 20 किलोमीटर, 18 to 20 किलोमीटर हमें ओजोन मिलती है। अगर तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में है तो इट इज़ गुड फॉर ह्यूमन, अगर ये ट्रॉपो में है तो इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन, ये ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्यों ये गुड है और क्यों ये हार्मफुल है। अगर तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में है तो ये हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे से बचाती है। ये क्या काम करती है यहाँ पे, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम सन, कैसे बचाती है, उनको अब्जॉर्व कर लेती है, उनको ट्रैप कर लेती है, जकड़ लेती है, बाय ट्रैपिंग दीज रेज। अब क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर लेयर है, ये स्ट्रेटो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, यहाँ सन की रेज आई जिनमें यूवी रेज हैं, जिनमें क्या है यूवी रेज हैं, इन यूवी रेज को यहाँ पे जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है उसने अपने अंदर अब्जर्व कर लिया, अपने अंदर अब्जर्व कर लिया और अर्थ पे फॉल नहीं होने दिया, जिससे क्या हुआ वो हार्मफुल रेज हमारी स्किन पे नहीं पड़ी और इस ओजोन ने हमें उन लेयर से, उस रेज से बचा लिया, तो ये क्या हो गई गुड हो गई। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पे जो ओजोन है ना उसने ट्रैप कर लिया, जकड़ लिया है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट रेज होती हैं, तो इससे ही क्या हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चीज़ को कि वाई स्ट्रेटोस्फीयर हैज़ अ हाई टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ रीज़न ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रोपोस्फियर पे। अब जो ट्रोपोस्फियर है इसमें जो हमारे पास ओजोन है वो ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं होती है। अब देखो ये हमारे पास ट्रोपोस्फियर है, अब यहाँ पे जो ओजोन है, यहाँ पे जो ओजोन है वो क्या करती है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है उसमें केमिकल्स हैं, ठीक है, अब पोल्यूशन हो गया है, इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतने व्हीकल्स चलते हैं तो उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो ओजोन है वो केमिकल्स के साथ मिलकर के, ठीक है, डस्ट के साथ मिलकर के, डस्ट पार्टिकल्स, और जो प्लस वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ मिलकर के ना स्मोग बना देती है। स्मोग, स्मोग क्या होता है, स्मोग इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग, जो कि सर्दियों में फॉग धुंध बोलते हैं, जो कि मोस्टली आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है, फॉग प्लस स्मोक धुआं बना देती है। जो ये स्मोग है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए, इससे क्या हो जाता है रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाती है,
रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेस विजिबिलिटी, दिखाई कम पड़ने लग जाता है, ठीक है। और क्या होता है इससे, कफ हो जाती है, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं कि जो ओज़ोन है वो अगर स्ट्रेटो में प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए अच्छी है, अगर वो ट्रॉपो में प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये थी हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस जो हमने डिस्कस करनी है। प्लीज़ आप एक बार यहाँ तक देख लीजिए। हमारे पास सारी की सारी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर वेपर्स क्या करते हैं और डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, और उसके बाद ही हम अपनी लेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हैं दीज लेयर्स, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो, एक्सो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।